हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम है राम किशन, आप लोग देख रहे हो श्री कृष्ण ऑटो सर्विस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो कि इसके अगले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, जो कि मेरे साथ क्या हुआ, एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, ठीक है, मिस सेलिंग पॉलिसी हुआ, जो कि मेरे साथ, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था काफ़ी दिन पहले ही का बात है ये, मतलब 2023 का अप्रैल का बात है, तब से चल रहा है ये मेरे साथ, ठीक है। जो कि पॉलिसी जो हुआ वो मिस सेलिंग करके पॉलिसी करवाया, जैसे कि लोन के चक्कर में, मैंने पहले बताया इसके अगले वीडियो में। तो उस टाइम कुछ मेरे सब्सक्राइबर भाई जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे देखते रहते रेगुलरली, वो भाई मुझे कमेंट किया है कि आपको क्या हुआ, आप डिटेल में बताओ भैया, ठीक है, कि सर जी आपको क्या हुआ। मेरे को भी सुन के बुरा लगा, तो मैंने भी कमेंट देखा, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को पूरा विस्तार से आज बताए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक आप लोगों को मैं वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूँगा छोटा सा, ठीक है। वैसे तो काफ़ी वॉइस रिकॉर्ड है वैसे मेरे पास, तो आप लोग सुनोगे तो हैरान रह जाओगे किस तरीके से समझाया है मेरे को, किस तरीके से समझाता रहता था। तो एक ही सुनाऊंगा, वो थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से, ठीक है। चलिए पहले वो क्लिप आप लोग सुन लीजिए थोड़ा सा। हेलो जी सर। नमस्ते सर। और जी कैसे हैं? ठीक हो? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, कैसे ठीक होऊंगा बताओ सर। कैसे सर, क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत क्या, दिक्कत कुछ भी नहीं, बस एक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बताओ बाकी उधर का क्या, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है? वो कुछ नहीं था, ऐसा है कि अमाउंट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आपके, क्योंकि क्या है कि आपका ना एक PFT अकाउंट ओपन होगा। PFT अकाउंट होता है, पब्लिक फंड ट्रांसफर का जो अकाउंट होता है, उसका आपके पास जब अकाउंट ओपन होगा, आपके पास उसका आईडी पासवर्ड आएगा, उसी में सारा का सारा अमाउंट आपका ट्रांसफर होगा जो आपने दिया है वो भी। अच्छा। और आपका जो लोन का अमाउंट है 16 लाख है ना आपका? हाँ, लोन अमाउंट 16 लाख है। हाँ, लोन अमाउंट आपका 16 लाख है, और जो आपने टैक्स वगैरह पे किया था, और ये जो आपने उसके लिए पॉलिसी वगैरह ली थी, मतलब जो भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है वो सारा का सारा उसी में ट्रांसफर होगा। अच्छा। हाँ, वो PFT अकाउंट आपका ओपन होना है, पब्लिक फंड ट्रांसफर कहते हैं उसे, उसको अकाउंट कहते हैं। तो वो आपको ट्रांसफर के लिए उन्होंने आपको, गौरव जी ने कुछ बताया नहीं? गौरव जी ने कुछ बताया नहीं, वो तो सर तो बस आधा घंटा एक दिन उसमें क्या होता है बताया तो आपको, वो अकाउंट कम से कम आपका ओपन होगा, कम से कम भी 70,000 की आपकी पेमेंट लगेगी उसमें। मतलब 70,000 रुपए का सर आपका PFT अकाउंट ओपन होगा। अब मतलब क्या मुझे फिर पैसा देना पड़ेगा? 70,000 सर, 70,000 रुपए का PFT अकाउंट आपका ओपन होगा, वो जैसी आपकी पेमेंट आ जाएगी वो अकाउंट आपको अपनी साइड से क्लोज करवाना पड़ेगा। आपको आईडी पासवर्ड जब मिल जाएगा, उसके बाद जैसे आपका अमाउंट आ जाता है, आपको अमाउंट अपने पास में रखने के बाद, वो अमाउंट अकाउंट खाली करने के बाद आपको करना क्या है कि वो अकाउंट बताओ। हेलो हेलो सर, सुन रहा हूँ मैं, और मलिक जी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये गौरव जी से आप बोल दो क्लियर क्लियर कि उन्होंने बोला है कि PFT अकाउंट ओपन होना है, जिसमें कि सारा लोन का और आपने जो अमाउंट दिया वो ट्रांसफर होगा, आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा हमारी साइड से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्लिप सुना उसके बाद, जैसे कि चलिए अब मैं क्या करता हूँ आप लोगों को, मतलब शुरू से बताता चलता हूँ, ठीक है, शुरू से बताता चलता हूँ। जैसे कि क्या हुआ, मेरे पास एक कॉल आता है सबसे पहले, जो कि बताता है कि हाँ ऐसा ऐसा है रामकिशन जी, हम बोल रहे हैं आदित्य बिरला फाइनेंस कंपनी से कि आपके नाम पे एक लोन हो रहा है, आपको लोन का रिक्वायरमेंट है, बहुत ही इंटरेस्ट कम दे रहे हैं हम लोग, और बहुत ही मतलब अच्छा ऑफर है आपके लिए। तो मैंने को कहा नहीं चाहिए, मेरे को लोन वोन नहीं चाहिए था, ठीक है, मैं सब सब मना कर दिया। फिर उसके बाद फिर एक बार कॉल किया कि सर जी अब ले सकते हो, बहुत ही अच्छा ऑफर था आपके लिए, मतलब इंटरेस्ट भी बहुत कम है और अमाउंट भी आपको मिलेगा, बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा, कितने का रिक्वायरमेंट है अब बताइए, हम दे देंगे। तो मैंने फिर थोड़ा सा मतलब माइंड सेट हुआ कि मेरे चलो थोड़ा सा ज़्यादा अगर ले रहे तुम, अगर दे देते तो अच्छा ही हो जाएगा, अपना जो गैरेज है उसको भी बढ़िया से मैं सजा पाऊँगा फिर, ऐसा है। तो फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का डिमांड कर दिया, तो उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट भी बहुत कम आता है इसमें, ठीक है। तो क्या करना होगा उसके लिए, छोटा सा आपको पॉलिसी लेना होगा, ठीक है,
छोटा सा पॉलिसी लेना होगा, वो कितना अमाउंट का होगा, बस एक होगा 42,000 का, ठीक है, जो कि ये है मेरे पास बॉन्ड पेपर, देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, मेरे नाम पे है सब कुछ, ये सबसे पहले कोटक का है, देख सकते हो मेरे नाम पे बॉन्ड पेपर है, तो उसका मैं दे दूंगा आप लोगों को, आप अगर देखना चाहते हो मेरे नाम पे ही है। तो पॉलिसी बॉन्ड एक करना होगा, मतलब पॉलिसी एक लेना होगा, उसके बाद आपके नाम पे लोन हो जाएगा। तो कितने का पॉलिसी? 42,000 का। वो कैसे होगा, मतलब एक आप अमाउंट दीजिए हमको, पॉलिसी करना होगा एक, उसका मतलब जो पॉलिसी का जो मतलब जो पैसा दे रहे हो आप, वो पैसा भी आपको रिटर्न मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए ऐसे बताया कि जो पॉलिसी ले रहे हो आप, आपका जो ईएमआई बनेगा, कुछ ईएमआई आपको माफ़ कर दिया जाएगा, जो कि 42,000 तक जितना ईएमआई बनेगा उतना ईएमआई आपको माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे ही बताया। तो मैंने चलो सोचा कि अच्छा ही है, फिर जो पॉलिसी है उसका पैसा माफ़ कर दिया जाएगा तो अच्छा ही होगा फिर, तो मैंने क्या किया, ले लिया। उसके बाद कुछ दिन बाद कॉल करता है कि रामकृष्ण जी ऐसा हो गया, आपके नाम पे जो पॉलिसी है वो मतलब अप्रूवल नहीं हो रहा, तो ऐसा करना होगा आपके नाम पे कुछ और एक करना होगा, जैसे कि मैंने पहले सुना आप लोगों को वॉइस रिकॉर्ड, ये करना होगा, वो करना होगा, फलाना ढिमकाना करके मैंने मेरे को फंसाया, मैं तो उतना ध्यान भी नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, आपको फिर एक पॉलिसी करना होगा जो कि 1,12,000 का, बाप रे माँ मेरा दिमाग ही घूम गया, चलो 1,12,000 कर लेते हो जाएगा, शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा। तो मैंने क्या किया, एक पॉलिसी फिर ले लिया, वो कौन सा था, ये देखो बजाज का, ठीक है, बजाज का पॉलिसी है, मैं दिखा देता हूँ इस जगह पे, देखिए, ठीक है, बजाज का पॉलिसी कितना हो गया, दो हो गया, 1,12,000 एक, 1,12,000 एक, और 1,42,000, दो हो गया। उसके बाद कुछ दिन बाद मतलब जो पॉलिसी है वो 15 दिन का वैलिड होता है, जब मैंने पता किया तो 15 दिन का वैलिड होता है, उसके अंदर में आप मतलब इसको कैंसिल करवा सकते हो। तो मैंने क्या किया, उतना ध्यान भी नहीं दिया, 15 दिन के अंदर मतलब बहुत दिन हो चुका है, ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते फिर क्या किया, फिर एक बोल रहा है कि आपके नाम पे और एक पॉलिसी करना होगा, पॉलिसी एक बार भी नहीं बता रहा है कि पॉलिसी हो रहा है भैया, ठीक है, ऐसे बता रहा है कि आपके नाम पे कुछ बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा, टैक्स पे करना होगा, तो टैक्स पे कितना करना होगा, 7% करना होगा, ठीक है, 7% कितना था, 1,12,000। मैंने तो उतना ध्यान ही नहीं दिया क्या होता क्या नहीं होता, चलो जब इतना पैसे दे दिए तो क्या बोल रहे, देखिए सर अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये जो पैसे दियो वो पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी मेरा दिमाग फिर घूम गया, एक कैसे है यार, अभी जो इतना पैसा दिया हूँ वो पैसा भी वापस नहीं मिलेगा, और एक पॉलिसी कर लेते हूँ फिर आपको लोन भी मिलेगा पैसा भी मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या किया हमने, ये देखो मैक्स लाइफ का किया, देख सकते हो, ठीक है, ये है मैक्स लाइफ का पॉलिसी, ये कितना, 1,00,000, समझ पा रहे हो कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद कुछ दिन बीत जाता है, फिर कॉल करता है कि देखिए आपके नाम पे जो लोन हो रहा है वो थोड़ा सा परेशान आ रहा है, आपके फाइल पे कुछ दिक्कत कर रहा है सर, आपको ऐसा करना होगा, एक नॉमिनी फाइल करना होगा। नॉमिनी फाइल क्या है, नॉमिनी फाइल करने के लिए आपको फिर 1,00,000 लगाना होगा, मतलब एक फिर एक पॉलिसी लेना होगा, ठीक है। तो मेरा दिमाग भी है नहीं कि ऐसा होता होगा, मतलब इतना अच्छा से समझाया उन लोगों ने, इतना अच्छा से समझाया, मेरा तो मतलब उतना, मैं पहले बताया थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा कम हूँ मैं, तो और क्या है, मैं उतना ध्यान भी नहीं दिया और किसी को बताया तक भी नहीं कि ऐसा लोन मिल रहा है कि कुछ मिल रहा है, ठीक है, मैं किसी से बताता भी नहीं हूँ, बताता नहीं मतलब अगर किसी को बताता शायद वो मुझे सलाह देते, ठीक है। अभी क्या हुआ, मैं ऐसा है सबको बताते फिर रहा हूँ, मतलब देखिए देखिए ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया, आप लोग सावधानी से रहो, ये है वो है, अब मेरे साथ ये हो गया, क्या ही कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूँ। उसके बाद क्या हुआ, 8 महीने 9 महीने बीत जाता है, सर क्या हुआ, मतलब इतना दिन हो गया आपका मेरा जो लोन है लोन नहीं हो रहा है। देखिए सर ऐसा है, आपका फाइल पे कुछ गड़बड़ी आ रहा है, ऐसा कीजिए अगर आप लोन नहीं लेना चाहते, कुछ दिक्कत आ रहा है तो उसको ऐसा कीजिए कैंसिल कर दीजिए, नहीं हो पाएगा कैंसिल कर दीजिए। देखिए कैंसिल करने के लिए ऐसा करना होगा, आपको फिर एक पेमेंट करना होगा, वो कैसा पेमेंट,
मतलब कुछ भी, फिर एक पेमेंट करना होगा तब जाके कैंसिल हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने सोचा ठीक है मैं कैंसिल कैसे करूं, तो कैंसिल करने के लिए भी पैसा देना होगा। और एक पॉलिसी ले लीजिए, मतलब और एक पेमेंट कर दीजिए, फिर आपके नाम पे पॉलिसी कंफर्म है, पूरा हो जाएगा। जैसे कि मैं पहले ही आप लोगों को वॉइस सुनाया, ऐसा है, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आप जब इतना दूर आ गए हो, इतना देर दिन तक आप लोगों ने, मतलब मेरे को बोल रहा है, आप इतना दिन से मेरे ऊपर भरोसा किए हो, तो और एक ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझाया। ठीक है, तो क्या करें, आप ऐसा करो और एक पेमेंट करो, हो जाएगा, जो कि ये आदित्य बिरला का देख सकते हो। ठीक है, सभी का मैं फोटो दे दूंगा, मेरे नाम पे ही है सब कुछ। जैसे कि ये 1,12,000, फिर से, ठीक है, फिर से 1,12,000, समझ सकते हो फ्रेंड्स। क्या करे, कर लिया, किसी को बताया नहीं मैंने, इतना बड़ा भूल हो गया मेरे से। फिर क्या, ऐसे चलता रहा चलता रहा। सर कब होगा मेरा लोन, अभी तक नहीं हुआ, इतना पैसा हम दे चुके। अब तक मैंने उनको भी ये भी बताया कि सर हम सुसाइड करने वाले हैं, इतना पैसा दे चुके हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा सर, थोड़ा सा मेरे पर दया कीजिए, कुछ भी नहीं बचा मेरे ऊपर। ठीक है, इतना तक बताया मैंने। देखिए रामकिशन जी, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्यों टूट जा रहे हो, आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, हो जाएगा हो जाएगा, बोलते रहे सर हो जाएगा। अब ये मेरे नाम पे पॉलिसी हो रहा है, उतना मेरे को भी आइडिया नहीं था। ठीक है कि ये पॉलिसी बॉन्ड है, हाँ पॉलिसी कर लिया होगा, मैंने सोचा था कुछ और तरीके से वो लोग करता होगा शायद। मानता हूँ मेरा ही गलती है, सब कुछ मेरा ही गलती था। तो क्या हुआ, काफ़ी दिन बीत गया बीत गया, कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा। फिर मैंने उन लोगों से पूछा कि सर क्या होगा, कुछ तो कीजिए। देखिए सर, ऐसा कीजिए, आप कैंसिल कर दीजिए, नहीं हो पाएगा शायद, पता नहीं आपके फाइल पे इतना क्यों दिक्कत आ रहा है। इससे पहले हम लोगों ने कभी लोन दिया, इतना दिक्कत अभी तक नहीं आया। ठीक है, ऐसा कीजिए, आप कैंसिल कर दीजिए। फिर ऐसा बताया कि कैंसिल करने के लिए एक पेमेंट कर दीजिए, हो जाएगा कैंसिल। क्या किया उसके बाद, ये कंपनी देखो, पता नहीं कौन सा कंपनी है, पेमेरिका नाम का एक कंपनी है, पेमेरिका। ठीक है, ये कंपनी को मतलब ये भी एक पॉलिसी कर दिया, कह रहा कि सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और एक पेमेंट कर दीजिए, चलो सब कैंसिल हो जाएगा, कर देंगे। और ऐसा है, वेरिफिकेशन होता है, सभी का वेरिफिकेशन होता है, सिर्फ इसका बढ़िया से वेरिफिकेशन हुआ था, आदित्य बिरला का। ठीक है, और इतना मेरे को बताया कि देखिए एक वेरिफिकेशन आएगा, आपको वेरिफिकेशन करना होगा, जो जो सिखा के दे रहा हूँ बताना वही। ठीक है, आपको कुछ भी गलत नहीं बताना। तो मैंने लालच में आके हम भी वही बताया कि हाँ मेरे को लोन नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं चाहिए मेरे को, मेरे पास टैक्स सेविंग और अपना इंश्योरेंस ले रहा हूँ, टैक्स सेविंग के लिए ले रहा हूँ, ऐसा जो बताने को बोला हम भी बता दिए। उतना तो यार दिमाग में कहाँ है मेरे, जितना पैसा मांगा हम भी दे दिए बस। अब क्या है, बहुत दिन हो चुका, बहुत दिन हो चुका, जब हम ये पेपर को लेके थोड़ा सा इधर उधर किया, मतलब कंपनी में गए, देख सकते हो, जब मैं कंपनी में गया तो उन्होंने बताया कि देखिए आपके साथ फ्रॉड हुआ है, लोन वोन कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो मेरा दिमाग पूरा हिल गया यार, पूरा दिमाग हिल गया, क्या कर रहे हैं, समझ सकते हो फ्रेंड्स। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे नाम पे इतना बड़ा एक फ्रॉड हो चुका है मेरे साथ। ठीक है, अभी क्या है, इसको हम सिलेंडर भी नहीं कर सकते, क्योंकि 15 दिन का वैलिड होता है सिलेंडर करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं इसलिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोग किसी भी लालच में मत आइए, और ऐसा जो लोन का चक्कर है मत पड़िए। ठीक है, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, आप क्या ही कर सकते, ये जो पॉलिसी है, ये सब पॉलिसी क्या है, बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए दिया हुआ है, 12 12 साल के लिए मैच्योर होगा, 22 साल में, मतलब 24 साल तक मैच्योर होगा, 12 साल तक हमको पे करना होगा, ऐसा वैसा बहुत उसमें तामझाम है यार, बहुत तामझाम है। तो उतना देर हम कैसे चलाए,
नहीं चला सकते, तो मतलब ये मेरा जो पैसा है वो पूरा ही बेकार हो गया, क्या ही कर सकते अभी। और जो कंपनी था वो मतलब जहाँ से बात करता था वो लोग, पता नहीं कंपनी था कि क्या था, ठीक है, गौरव नाम का एक सर था और एक मैम, पहले फ़ोन किया था, सब कुछ डिटेल हमने दिया, उसके बाद ये पॉलिसी करके हमको छोड़ दिया। ठीक है, तो बाकी बस इतना ही था। आप लोग थोड़ा सा क्या ही बताऊँ, हो गया, टेंशन में हूँ मैं काफ़ी, और फिर भी मतलब जुबान में मुस्कुराहट रखना पड़ता है, क्योंकि अंदर से मैं बहुत टूट गया हूँ, अंदर से बहुत टूटा हुआ मैं, क्या ही कर सकते, चलो जो हो गया हो गया। बाकी अपना अंदर का बात कैसे बताए सबको, बस आप लोगों को थोड़ा सा बता रहे, शेयर कर रहे हैं, बाकी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा अगले दिन। चलो बस इतना ही, और भी वॉइस रिकॉर्ड है मेरे पास जो कि मैं अगर सुनाऊँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है, ऐसा है, चलो और क्या ही कर सकते, वो लोग खुश रहे। आजकल कितना स्कैम हो रहा है पता चल रहा है ना फ्रेंड्स, आजकल बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, बहुत ही स्कैम हो रहा है। बस ये बताने के लिए आप लोगों को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे पर जो हुआ वो किसी पर और ना आए, ऐसा सिचुएशन मतलब, ठीक है, और किसी को ना हो ऐसा फ्रॉड मेरे साथ जो हुआ है। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ये वीडियो, सबसे ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, हर एक बंदे को जानना हो चाहिए, मतलब जो मेरे साथ फ्रॉड किया है स्कैम किया है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, शायद मैं ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर कर दूं, मेरा जो वीडियो का लिंक है मैं उन लोगों को बता दूं। और अगर उन लोगों का आपको मतलब कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, उन लोगों का फ़ोन नंबर मैं दे दूंगा, ठीक है, अब जाके कॉन्टैक्ट मत करना, ठीक है, दिल्ली से है बोलता था, पर जो ये जो पॉलिसी हुआ सब कुछ जेनुइन पॉलिसी है, जेनुइन सब कुछ पॉलिसी जो है जेनुइन है बिल्कुल, वो हमने ट्राई किया सब जगह पे, ठीक है, तो चलो टाटा।